नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नवरत्न पुलाव। नवरत्न पुलाव, इस पुलाव में 9 एटम्स पड़ते हैं, इसके लिए इसको नवरत्न पुलाव बोला जाता है। और ये बहुत हेल्दी भी है और उतना ही टेस्टी भी, तो जरूर देखिए नवरत्न पुलाव। आज हम बना रहे हैं नवरत्न पुलाव। नवरत्न पुलाव बनाने के लिए मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल लिया है, वो मैंने आधा घंटा पहले ही धो के रखा है। मैंने एक पतीले में थोड़ा सा घी लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं तेज पत्ता 3-4, 7-8 काली मिर्च और दालचीनी। ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डाल देती हूँ मैं, भून जाने के बाद। जितना चावल लिया था उससे 4 times नियरली पानी लिया है मैंने, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। अभी पानी को बॉईल आएगा तो उसमें मैं डाल देती हूँ चावल। नमक थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा डालना है और उसमें डाल देना है मुझे राइस। गैस की पावर जो है वो एकदम फुल फ्लेम पे रखना है। अभी मुझे चावल को पकाना है। एक चावल 90-95% आप देख सकते हैं मेरा चावल जो है मस्त पक गया है, बट वो एकदम नरम नहीं बना है, यानी पुलाव के लिए जैसा चाहिए वैसा बन चुका है। अभी मैं इसमें से पानी निकाल लेती हूँ। मैंने राइस छलनी पे निकाल दिया है, उसका पानी जो है वो नीचे आ चुका है। वो जो पानी है वो भी फेंकने की जरूरत नहीं, अगर आप सूप बना रहे हो उसमें यूज कर सकते हो थिकनिंग के लिए। तो मैं अभी ये राइस को ठंडा होने देते, बाकी राइस की हम लोग बाकी तैयारी कर लेते। नवरत्न पुलाव बनाने के लिए मैंने जो राइस लिया था वो मैंने पका लिया, वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे टोटल ड्राई फ्रूट और सब्जियां मिलके 9 आइटम लिए हैं, इसीलिए इसको नवरत्न पुलाव बोलते हैं। तो मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें लिए हैं मैंने बादाम, काजू और किशमिश। फिर मैंने प्याज लिया है, प्याज आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंच बीन्स लिया है, पोटैटोज लिए हैं, देन ग्रीन पीस लिए हैं, ब्रोकोली भी आप स्किप कर सकते हो, फ्लावर, मैंने पनीर लिया है और लिया है मैंने गाजर। ये गाजर को मैं कट कर लेती हूँ। अभी एक कढ़ाई में आप घी, मोस्टली ये घी या तेल, घी में बनाया जाता है, तो आधा घी आधा बटर यूज करके भी बना सकते हैं, टोटली घी में बना सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं ये सारी सब्जियां अभी तेल में पका लेती हूँ। सबसे पहले मैं प्याज डालती हूँ, प्याज मेरा पक चुका है, उसके बाद में डाल रही हूं मैं फ्लावर। यहाँ पे सब सब्जियां आप अलग अलग तल के भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑयली होती है, इसके लिए मैं इसको तेल में ही पका लेती हूँ। इवन आप उसको बॉईल करके भी ले सकते हो, बॉईल करने के बाद उसका क्रंच निकल जाता है, इसके लिए मैं इसको तेल में ही पका लेती हूँ। मेरी सब्जियां जब तक पक रही है तब तक मैं एक 7-8 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लवंग, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और इसका पाउडर बनाती हूँ। नवरत्न पुलाव में मिर्ची नहीं पड़ती है, हरी या लाल मिर्च, कोई भी मिर्ची नहीं होती, जो तीखापन आएगा वो काली मिर्च से आएगा। तो मैं इसको पाउडर कर लेती हूँ ड्राई रोस्ट करके। मेरी सब्जियां जो है तो पक चुकी है, लेकिन उसका क्रंच वैसे ही बाकी है, आप देख सकते हैं। उसमें सब्जियों के हिसाब से मुझे उसमें नमक डालना है। और मैंने जो पोटैटोस होते हैं, आलू जो होते हैं, वो मैंने उसको अलग से तल लिया है, उसके साथ काजू, बादाम और किशमिश, उसको भी अलग से तल लिया है, तो मैं उसमें ये डाल देती हूँ। आलू इसके लिए अलग से तले क्योंकि उसका वो जल्दी से गलेंगे नहीं। इसके साथ ही जो मसाला मैंने किया था वो भी डाल दे रही हूँ और अभी इसमें डाल रही हूँ मैं राइस। इसमें से तेज पत्ता निकाल दो।
मेरा नवरत्न पुलाव तैयार है। इसको जो है ना 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन रख देती हूँ। इसमें इसको अच्छे से स्टीम आ जाएगी और जो मसाले है उसका जो एरोमा है वो सब इंग्रेडिएंट को इक्वली लगेगा। मेरा नवरत्न पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं कितना मस्त बन चुका है, एकदम एरोमेटिक, बहुत टेस्टी नवरत्न पुलाव तैयार है। थैंक यू।